देश के सबसे चर्चित पहलवान सुशील कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ओलंपिक विजेता रहे पहलवान सुशील कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार पहलवान सागर राणा की हत्या के मामले में फरार चल रहे थे। पुलिस के मुताबिक उन्हें दिल्ली के मुंडक्का से गिरफ्तार किया गया है। भारत के लिए दो बार ओलंपिक पदक जीत चुके पूर्व विश्व चैंपियन पहलवान सुशील कुमार इन दिनों पुलिस से भागे भागे फिर रहे थे। उनकी गिरफ्तारी पर 1,00,000 रुपए का इनाम भी रखा गया था। सुशील कुमार पर पहलवान सागर राणा हत्याकांड में अपहरण, हत्या, गैर इरादतन हत्या और अन्य धाराओं में FIR दर्ज है। रविंदर सिंह रॉविन के मुताबिक ACP उत्तर सिंह की निगरानी और इंस्पेक्टर शिव कुमार और इंस्पेक्टर करमवीर सिंह की अगुवाई वाली दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने सुशील कुमार को गिरफ्तार किया है। 38 वर्षीय पहलवान सुशील कुमार के अलावा पुलिस ने 48 साल के अजय को भी गिरफ्तार किया है। सुशील कुमार पर 1,00,000 रुपए का इनाम था और अजय पर 50,000 रुपए का। वहीं भारत के सबसे बड़े पहलवान माने जाने वाले सुशील कुमार से मेरे संबंध बहुत पुराने रहे हैं। इस दौरान उनका व्यवहार हमेशा मर्यादित रहा है। वो साल 2010 में मिले थे और देखते ही देखते उनका नाम विवादों से जुड़ता गया। पहले पहलवान प्रवीण राणा और उनके समर्थकों के बीच दिल्ली के एक स्टेडियम में हुई मारपीट, फिर पहलवान नरसिंह पंचम यादव के साथ ओलंपिक में जाने की दावेदारी को लेकर हुआ ट्रायल विवाद, या अब पहलवान सागर राणा हत्याकांड। अखाड़ों पर उठे हैं सवाल, अब अखाड़ों पे भी सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें, सागर राणा हत्याकांड में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। पिछले 3-4 महीनों से ऐसी दूसरी घटना है जिसमें अखाड़ों पर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। फरवरी में रोहतक के जाट कॉलेज स्थित अखाड़े में ताबड़तोड़ गोलियां चली, जिसमें 2 महिला पहलवान सहित 5 लोगों की मौत हो गई थी। इसमें कोच और उनकी महिला पहलवान पत्नी भी शामिल थी। भारत को अंतर्राष्ट्रीय जगत में राष्ट्रमंडल, एशियाई सैफ विश्व चैंपियनशिप और ओलंपिक तक के पदक दिलाने में इन अखाड़ों की बड़ी भूमिका रही है। भारतीय महिला पहलवानों ने भी इसके सहारे कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। हाल की घटना में जाहिर है कि अखाड़ों की गुरु शिष्य परंपरा, पहलवानों की गुटबाजी, दबाव और पैसे से जुड़े विवाद भी शामिल हैं। पहले विवादों से दूर रहते थे अखाड़े, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पिछले 20 से 25 सालों में नामी अखाड़े और पहलवान विवादों से दूर ही रहे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल हासिल करने के बाद पहलवानों को बेहद आसानी से रेलवे, पुलिस और दूसरे महकमों में नौकरियां मिल जाती थी, जिससे उनके व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में बड़ा बदलाव आता था। अगर कोई पहलवान गैरकानूनी घटनाओं में लिप्त पाया जाता था तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तो दूर, वे राष्ट्रीय स्तर के गेम्स में भी शामिल नहीं हो सकते थे। वो दौर चला गया था जब गली मोहल्ले के लड़कों पर रौब जमाने के लिए लोग पहलवानी करते थे। सुशील कुमार के कोच द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता सतपाल सिंह किस्सा सुनाते थे कि कुछ बच्चे उन्हें बचपन में पीट देते थे, जिसके बाद उनके पिता ने उन्हें पहलवानी सिखाने गुरु हनुमान के पास छोड़ दिया। कुछ ही दिनों बाद उन्हें पीटने वाले गली मोहल्लों के उनसे हाथ मिलाने के लिए उनके आगे पीछे घूमने लगे। अखाड़ा घंटा घर के पास था, जहाँ से अब्बा सिनेमा ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन सतपाल यह बताना भी नहीं भूलते थे कि गुरु हनुमान किसी को भी पास के सिनेमाघर में पकड़ लेते थे और उसकी पिटाई जूतों से करते थे। वहीं गुरु हनुमान के शिष्य में करतार सिंह, सतपाल, जगमिंदर, सुरेंद्र कुमार और न जाने कितने पहलवान रहे, जिन्होंने कामयाबी के साथ साथ सार्वजनिक जीवन में भी एक मिसाल पेश किया है। वहीं पहलवानों की उस छवि को बदला, जिसके चलते कहा जाता है कि पहलवान प्रॉपर्टी के झगड़े सुलझाते या नेताओं के लिए काम करते हैं। अगर दिल्ली की बात करें तो गुरु हनुमान अखाड़ा, छात्रसाल स्टेडियम अखाड़ा, मास्टर चंदगी राम अखाड़ा, जगदीश काली मरण अखाड़ा, यह सब जूनियर और सीनियर स्तर पर पहलवान तैयार करते हैं। वहीं अखाड़ों की चुप्पी
सुशील कुमार का नाम सागर धनखड़ हत्याकांड में लिए जाने के बाद अधिकतर अखाड़ों में खलीफा चुप्पी साधे हैं अनौपचारिक बातचीत में। हालांकि वो कहते हैं कि सुशील कुमार की वजह से कुश्ती का नाम रोशन हुआ है और वे कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते जिससे पहलवान और पहलवानी की छवि खराब हो। राम सोंदी महिला और पुरुष कुश्ती चीफ कोच थे जब सुशील कुमार ने स्वर्ण पदक जीता था। सोंदी कहते हैं कि 2010 में विश्व चैंपियन बनने पर पहलवान को 10 लाख रुपए मिलते थे और अब तो राष्ट्रमंडल एशियन और ओलंपिक पदक जीतने पर करोड़ों रुपए हाथ लग जाते हैं। वैसे वो साफ करते हैं कि पहलवानों को धन को और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने से ही हासिल हो पाता है। वहीं सजवान का कहना है कि अखाड़ों में कुछ पुरानी छवियां फिर देखने लगी है। छवि जो एक समय अखाड़ों ने खुद अपने दम पर बदली थी वह असामाजिक तत्व रहते थे। वहीं ये देखना भी जरूरी है कि क्या है विवादों की वजह। पुराने दिनों के किस्से सुनाते सजवान कहते हैं कि पहलवान चंद्रगिराम, सतपाल, करतार, सुदेश, जगमिंदर, प्रेमनाथ बताया करते थे कि उन्हें जीतने पर 1 रुपया, 10 रुपया वगैरह मिलते थे। 70-80 के दशक में जरूर भारत केसरी, भारत भीम, हिंद केसरी, दंगल में लाखों रुपए की कुश्ती होती थी। लेकिन जो अच्छे पहलवान नहीं बन पाते वह बड़े पहलवानों के पिछलग्गू बन जाते हैं या भटक जाते हैं। वह पैसा कमाने के लिए गलत राह पर चल पड़ते हैं। यही अखाड़ों में गड़बड़ की वजह है। इसकी वजह से एक एक अखाड़े के 2-3 दावेदार होने लगे हैं। ये पहलवानों की रंजिश की वजह से बन रहा है और पैसा तो हर जगह फसाद की जड़ बन गया है। वहीं सजवाल कहते हैं कि वह कुछ दिन पहले भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह से कुश्ती को राष्ट्रीय खेल बनाने की मांग उठाने की बात कर रहे थे, लेकिन अब इस शर्मनाक घटनाओं ने उन पर पानी फेर दिया है। अब वो कहते हैं कि तमाम अखाड़ों को सरकारी निगरानी में चलाना चाहिए। फिलहाल दिल्ली का छात्रसाल स्टेडियम अखाड़ा दिल्ली सरकार की मदद से चलता है। गुरु हनुमान अखाड़ा पहले बिड़ला परिवार की मदद से चलता था, अब गुरु हनुमान के शिष्यों द्वारा बनाए गए ट्रस्ट से चलता है। बाकी अन्य अखाड़े थोड़ी बहुत स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा दी गई मदद और सामाजिक संसाधनों के दान से बेहद मुश्किल से चलते हैं। वहीं पहलवानी के पुराने गुरु और आज के कोच भी गुरु शिष्य परंपरा को बेहद अहम मानते हैं। उनका मानना है कि महाभारत के समय से चली आ रही ये परंपरा कुश्ती की ही देन है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 News के साथ।